समाप्त हुआ कि सभा ये करना भाई स्पीकर सर आपने कहा किसानों को मुद्दा नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन पढ़ो, उन्होंने जिम्मेवारी लगाई है केंद्र सरकार पर, हरियाणा सरकार को भी किया है। नहीं वो तो सड़कें खाली कराने के लिए कहा उन्होंने, नहीं नहीं उन्होंने कहा बात करके समाधान निकालो, नहीं नहीं सड़कें नहीं कहा, आप पूरा पढ़ो, उन्होंने लिखा बात करके समाधान निकालो, क्यों समाधान निकलते कितने दिन साहब आपने भी वो जो पिटीशन है वो पढ़ी है, ये पिटीशन ये है कि मुद्दा सड़कें खाली कराई जाए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सड़कें खाली कराने के लिए उनसे बात की जाए। दूसरा आपने कहा कि कोई लिस्ट बिजनेस बाकी है, सरकार ने तो कह दिया उनका तो बिजनेस नहीं है, लेकिन विपक्ष के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ बताइए क्या सारे रिजेक्ट कर दिए, सारे रिजेक्ट कर दिए जो जो नियम के अनुसार नहीं है, तो नियम के अनुसार है वही एक्सेप्ट होंगे, जो नियम के अनुसार नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। चलो मेजोरिटी प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण अब शून्यकाल शुरू होता है। स्पीकर सर धन्यवाद स्पीकर सर, इसमें देखिए एक मिनट काजन साहब, काजन साहब कोई शून्य काल के अंदर ताजन साहब ऐसे नहीं, आप बाकी लोगों को भी बोलने देना। प्रश्न काल के अंदर हमने कहा कि तीन तीन मिनट सभी विधायक बोल लेंगे, महोदय वो तो यही बात कह रहे हैं कि सबको तीन तीन मिनट मिलने चाहिए। ये देखिए ऐसा है कि आप अपने काजल साहब संदोगे मेरे को, बैठ जाइए, मैं जीरो ओवर में एक मुद्दा, जीरो ओवर में आप पहले बोल चुके, जीरो ओवर में आप पहले बोल चुके, बैठ जाइए बैठ जाइए। श्री मामन खान जी, मामन खान जी, मामन जी, श्री मेवा सिंह जी, आप बोल चुके अध्यक्ष महोदय, मेवा सिंह जी हमारे तुमको चुप तो करो जी, अध्यक्ष महोदय हमारे बैठ जाइए, मेंबर बोल रहे हैं, का मतलब दूसरा है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको देखिए, अब यूं सभी सदस्यों की ये राय है, एक मिनट हुड्डा साहब, सभी मेंबर्स अभी दोबारा पूछ लेते हैं, तो हाउस एक्सटेंड कर दो सब, नहीं नहीं पूछ रहे दो मेंबर तीन मिनट, सभी सदस्य ये चाहते हैं कि उनको तीन तीन मिनट बोलने दिया जाए, सबको मौका मिले। ये देखिए आपके सामने जीरो और हमारे को नहीं चाहिए, ये कोई तरीका थोड़ा ही है, डिस्कशन सदस्य को चाहिए, सदस्य को चाहिए, सदस्य को चाहिए, अलग डिस्कशन ले लो, देखिए टाइम दो सभी सदस्य, तीन मिनट एक सदस्य को मिलेगी तो हमें सुना ही नहीं कभी, ये कोई तरीका ये कल ये हो गया था जीरो आवर असेंबल, तो बात नहीं सुनना चाहते, मैंने तीन टाइम कोई अपने इलाके की मांग रखे कुछ बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है, आप बोल चुके तीन मिनट आ गया, आप बोल चुके, ना ना आप बोल चुके, आप बोल चुके, जो सदस्य बोल चुके हैं उनको दोबारा नहीं बोले, आप मना नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में ये नहीं होता, बैठिए आप अपनी सीट में बैठो, सीट में बैठो, नहीं ऐसा कभी नहीं, मेवा सिंह महोदय
अध्यक्ष महोदय जीरो आवर पे मायने हो गया। आप अपने लोगों को नहीं बोलने देते, थोड़ा ही तो बोलेगा नहीं। आप अपने लोगों को नहीं बोलने देते क्या? नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलने देंगे? क्योंकि कोई हल्के की डिमांड के लिए नहीं है ये जीरो आवर। जीरो आवर के अंदर जो भी कोई, एक बात सुनिए, आप थोड़ी इन्फोर्स करेंगे कि कोई क्या बोले? बुड्ढा साहब की बात, आप इन्फोर्स नहीं करेंगे कि कोई क्या बोले? ये सदस्य की अपनी मर्जी है, कोई कुछ भी बोले। आप नहीं उसको कंपेयर कर सकते, आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते? कोई कुछ भी बोले, सदस्य की मर्जी है, आप कैसे कह सकते हैं? प्रजातंत्र की मायने नहीं। देखिए, कोई सदस्य जीरो आवर के अंदर कोई भी मुद्दा उठा सकता है। जीरो आवर बंद कर दो, जीरो आवर बंद कर दो, आपकी मर्जी है। हम जीरो आवर आप अगर बंद करना चाहते हैं उसके ऊपर विचार करेंगे। आप जो परंपराओं को नहीं चला सकते, जीरो बंद कर दो। मैं जीरो आवर अगर आप बंद कराना चाहते हैं तो उसके ऊपर विचार कर लेंगे। जीरो आवर में हल्कों की डिमांड सुनने थोड़ा आया है। हाँ जी, आपकी डिमांड के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर हमने शुरू किया था, आपकी डिमांड के ऊपर शुरू किया था। किया था पर ये थोड़ा ही बताता। हाँ जी, जो आप ये कहेंगे किसी मेंबर को आप कैसे कह सकते हैं? आप ये ना बोलिए, एक मेंबर जीरो आवर के अंदर, एक मेंबर तीन बार। हुड्डा साहब बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बात सुन लीजिए। जीरो आवर के अंदर कोई भी सदस्य कोई अपनी बात, कोई भी बात रख सकता है। हाँ जी, ये थोड़ी है कि आप कंपेयर करेंगे, आप ये नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हो, ये थोड़ी ऐसे होता है। नहीं, मुद्दा जो बोलेंगे वही मुद्दा, बाकी के सदस्य जो बोलेंगे वो मुद्दा नहीं है क्या? ऐसा है कि जो बाकी के लोग, बाकी के जो मेंबर बोलेंगे वो भी तो किसी मुद्दे पर बोलेंगे ना? हाँ, ओपन है, कोई बोलिए जो मैंने कहा कि बोलिए, बोलिए। नहीं नहीं, ओपन है, लेकिन ओपन के अंदर भी कोई मुद्दा रख सकते हैं आप। हाँ जी, जो बोले तो जो उठाएगा मुद्दा वो सुनोगे आप? ये मेरे पर लिख करके आया हुआ, लोगों का कि भी हम बोलना चाहते हैं, ये चिट्ठी बड़ी है, ये लिख के आया हुआ। मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, आपकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं, मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। हाँ, मुद्दा तो पूछो किस पे बोलना चाहते हैं। मुद्दा हम कोई तय नहीं कर सकते, ये जो सदस्य की अपनी मर्जी है, जीरो आवर के अंदर कोई भी मुद्दा उठा सकता है। जीरो आवर के अंदर कोई भी सदस्य कोई भी मुद्दा उठा सकता है। हमारे एडजॉइनमेंट बाउंसर रिजेक्ट कर दोगे, पॉलिटिशियन रिजेक्ट कर दोगे, ये बाखड़ा मैनेजमेंट जैसे उसका नहीं। देखिए, आप किसी भी सदस्य को ये कंपेयर नहीं कर सकते। आप अपने सदस्यों को कहिए कि फार्मर एजुकेशन पर बोले, आप बोले जो मर्जी बोले कोई भी, आप ये दूसरों को कंपेयर कैसे कर सकते? लेकिन ये प्रथा गलत है। नहीं, मैं यहाँ आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता। देखिए, अगर आपको ये प्रथा गलत लगती है, जीरो आवर गलत लगता है, इसको हम दोबारा विचार करेंगे। लेकिन आज ये जो है ये जीरो आवर सरकार का जो आज ये जीरो आवर है जारी रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जीरो आवर नहीं चाहिए तो आगे से इसके ऊपर विचार करेंगे। ऐसा चैम्बर में आके बात करूंगा, आप क्या कर रहे हो? मैं वो बोल चुके जना भाई, तो जीरो आवर में बोलने क्यों नहीं देते लोगों को? भाई वो जो सदस्य है उनको बोलने क्यों नहीं देते आप? उनकी जबान के ऊपर अपने वर्ड डालना चाहते हो? हेलो, अध्यक्ष महोदय, उसमें क्या था कि जो सीनियर मेंबर थे ना जी, वो सारा टाइम वही ले लेते, वो एक दो व्यक्ति अपना विषय उठावा था। आपने बहुत अच्छा किया कि हर मेंबर को, जो नए मेंबर को 3 मिनट दिए ताकि अपनी बात कह सके। तो व्यवस्था तो चेंज होती है, हर बार सिस्टम चेंज होता है। चेंज के लिए तो अच्छे के लिए तो कभी भी चेंज कर लो, अच्छे के लिए तो कभी भी चेंज किया जा सकता। उसमें लाभ आप ही को होगा शर्मा जी, आप ही को फायदा होगा जो अध्यक्ष जी ने लिया। आप नए मेंबर को दबाना, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं क्या? नए मेंबर्स की आवाज को दबाना चाहते हो क्या? क्या नए मेंबर को क्यों नहीं बोलने देते? सिर्फ आप ही बोलेंगे और मेंबर नहीं बोलेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अति लोक हित के मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो रास्ते हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, वो कोई 27 फुट चौड़ा है, कोई 33 फुट चौड़ा है, कोई 44 फुट चौड़ा है। बोलेंगे ही नहीं है। और उनमें मार्केटिंग बोर्ड ने और पीडब्ल्यूडी ने 12-12 फुट की सड़कें बनाई हुई हैं, और 12 फुट की सड़क बनने के बाद वन विभाग ने क्या किया, उन सड़कों के साथ साथ ही पेड़ लगा दिए। और जब अब वो सड़कें जो 12 फुट की बजाय 18 फुट चौड़ी करनी पड़ रही हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत वन विभाग के लगे हुए पेड़ आए हैं। और उन पेड़ों को काटने के लिए पहले तो सरकार का खर्चा वो पेड़ लगाने पर हुआ,
अब वो पेड़ काटने पे उड़ा और बहुत से पेड़ उनमें अपनी उम्र भी पूरी नहीं करते। तो मेरा अनुरोध है ऐसा कानून बनाया जाए और वन विभाग को आदेश दिया जाए कि जो भी सड़क बनी हुई है उसकी निशानदेही लेकर और 30-35 फुट सड़क की जगह छोड़कर उसके बाद पेड़ लगाएं, ताकि वो सड़क चौड़ी करने में भी दिक्कत ना आए और ना वो पेड़ काटने पड़े और ना ही सरकार का डबल खर्च करना पड़े। दूसरा, स्पीकर महोदय, जो भी विधायक इस सदन में अपना सवाल लगाते हैं और मंत्री खड़े होकर आश्वासन देते हैं लेकिन उस आश्वासन को पूरा नहीं किया जाता, मेरा अनुरोध है जो भी मंत्री विधायक को आश्वासन दे कम से कम उस आश्वासन को पूरा करें। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन के पहले ही सेशन में एक अपनी पीपली की पीएचसी का मुद्दा उठाया था और मंत्री महोदय ने, हेल्थ मिनिस्टर ने खड़े होकर यह मानना था कि हाँ मैंने उस पीएचसी की जगह खुद देखी है, उसकी हालत बहुत ही दयनीय है, और मंत्री जी ने कहा था कि अगर विधायक जी कहीं पर भी वहां पर जगह दुआ दें तो हम वहां पर ट्रामा सेंटर बनाने का काम करेंगे। मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने तो पीएचसी की बात करी थी और मंत्री जी ने ट्रामा सेंटर दे दिया। मैंने सेशन के बाद गांव में गया, गांव की पंचायत बुलाई और 6 एकड़ जमीन का रेजुलेशन पास करके मंत्री जी को दे दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 करोड़ की जमीन फ्री में मैंने रेजुलेशन दिलवाया हुआ, वो वायदा जरूर पूरा करवाया जाए। धन्यवाद श्री जगबीर सर। सर, स्पीकर सर, श्री बिशनलाल सैनी जी। स्पीकर सर, बिशनलाल सैनी जी। राम कुमार जी, आपका टाइम आएगा तो अब आप, नहीं नहीं आपका टाइम आएगा तो बोल। हाँ जी, हाँ हाँ, हुक्म करो। एमएलए के साथ जरूर मजाक है, मिनिमम 10 मिनट का समय दो, अगर बढ़ाना पड़े दो दिन और सेशन कर लो, किसी से पूछना। अगर 10 मिनट का समय देंगे तो 1 घंटे में केवल 6 लोग बोल पाएंगे, 6 सदस्य बोल पाएंगे। तो जीरो जीरो आवर का मतलब आवर है घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे में 6 लोग बोल पाएंगे, 90 के 90 सदस्य जो है बोलना चाहते हैं, मैं उन सबको एडजस्ट करना चाहता हूँ। बिशनलाल सैनी जी, स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा 1 घंटे में 6 बोलेंगे जीरो आवर, मेरा आपसे निवेदन है आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मंगा के देखो जीरो आवर में कितने लोग बोलते हैं, वहां तो 550 जीरो आवर का मतलब कितना है कि वो सारा दिन चलता है, आवर के 1 घंटा चलता है, 1 घंटा चलता है, लेकिन मुद्दे नहीं, 1 घंटे के अंदर बोला तो कह रहा हूँ, सब कह दे 3 मिनट बोलो, ऐसा कभी मैं नहीं देखा। नहीं, वो मुद्दे उठा रहे हैं, अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं, कोई जिसकी इच्छा वो अपना मुद्दा रख रहा है, हल्के के मुद्दे नहीं, हल्के के नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कोई मुद्दा रखिए, कोई ज्वलंत मुद्दा रखिए, आपकी अपनी मर्जी है। ये नहीं, आप लेंगे अगले अगले सेशन से इस पर विचार करेंगे, अगर बंद करने के लिए होगा तो बंद कर देंगे। हाउस सुचारू रूप से चले, एक सुचारू सर, और उम्मीद थी सुचारू रूप से चलाने में मदद सर, और यही करना तो बंद ही कर दो, हम दूसरे तरीके इस्तेमाल कर लेंगे। भट्टाचार्य जी प्लीज। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से जिस छोटी सी के कौन सा इंपॉर्टेंट ज्वलंत मुद्दा है, साथ में मेंबर अपनी स्लिप भेजता है, उसके बाद स्पीकर ये जो बात की 3-3 मिनट वो बोलेंगे, जो मर्जी बोल सकते हैं, ये नहीं होता किसी हालत में, वो ज्वलंत मुद्दे स्पीकर डिसाइड, एक मिनट को स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन सा मुद्दे किस मेंबर को बोले, वो कोई रूल में नहीं है, होता है ये तरीका, ये है तरीका, ये है। बिशनलाल सैनी जी बोलिए सर, ये हटेंगे तभी तो बोलूंगा। बैठिए बैठिए सर, मैं आपके आपके माध्यम से, एक मिनट, राम कुमार जी बैठिए, बहुत ही जरूरी।